आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोए सव्वसाहूणम् एषो पञ्च नमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवये मंगलम् नामाकृत नामो अरिहंतानं नामो सिद्धानं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोए सव्वसाहूणम् एषो पञ्च नमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवये मंगलम् नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहूणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवये मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहे पुनतस्त्री जगज्जनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोऽस्तु नः शान्तिनाथो जिनोऽस्तु वः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशना रेष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रेष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानन्द सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। दो प्रकार के तप का उपदेश दिया है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप के भी 6 विभेद हैं और आभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं। आभ्यंतर तप के जो 6 भेद हैं वे हैं पायचित्तम, विनव, व्यावच्यम, तहेव सज्जाओ। स्वाध्याय आभ्यंतर तप, स्वाध्याय के विषय को खोलते हुए कि किसका नाम स्वाध्याय, स्वाध्याय किस किस तरीके से किया जाता है, तो उसके परमात्मा ने स्वाध्याय के 5 तरीके बतलाए। पहला वाचना, दूसरा पृच्छना, तीसरा प्रावर्तना, चौथा अनुप्रेक्षा और 5वां है धर्म कथा। आज प्रश्नोत्तरी, प्रश्न यानी कि पूछना, पृच्छना यानी कि पूछना, जो बात गुरु ने समझाई उसके विषय में कहीं पर भी संशय हो, शंका हो, तो गुरु जी के पास में जाना, विनय से पूछना, गुरु जी उत्तर दें उसको, सेव गणधर भगवंत गौतम स्वामी जी का ढंग बतला रहा हूं, सेवम बनते सेवम भनते, आपने जैसा कहा वो वैसा ही है, भनते सेवम वो ही है वैसा ही है, मैं स्वीकारता हूं। ये प्रश्नोत्तरी का ढंग गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी और श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के बीच। जैन परंपरा में अधिकतर आगमों की पद्धति यही है, आपको जानकर के खुशी होगी, आगमों की शुरुआत लगभग तो क्या पक्का ही समझो ना तुम लोग, जम्बू स्वामी जी पूछते हैं श्री सुधर्मा स्वामी जी से, श्री सुधर्मा स्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं, हां हां मैंने ऐसा सुना है श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी से। इसका मतलब क्या, प्रश्न पद्धति क्या है, यह बात मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। प्रश्न क्यों और कैसे पूछने चाहिए ये बात मैं तुमको अपने आगम के आधार पर बतलाना चाहता हूं। प्रश्नोत्तरी कैसे पूरी होती है वो तो मैंने आपको बतलाया, प्रश्न खड़े होते हैं या उड्ढन जाणु बैठते हैं, साहेब मैंने सुना है, ए छोकरा श्रवण इधर है, इधर अरे इधर है यार, तू वहां का जा, ऊपर उपासक दशांग या अंतकृत दशांग पड़ा होगा मेरा ऊपर, वो लेकर गया।
श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने ऐसा ऐसा कहा है, आचारांग सूत्र पूरा हो गया साहब, उसके बाद में मैंने सुना है कि सूत्र कृतांग सूत्र और सूत्र कृतांग सूत्र के पहले अध्ययन और पहले अध्ययन के पहले उद्देश्य के रूप में मालिक ने ऐसा ऐसा कहा है। वो क्या कहा? फिर सुधर्मा स्वामी जी उत्तर देते हैं, ये हमारे जैन आगमों की शैली है। तो वहां पर आगम जो चालू होते हैं प्रश्न से चालू होते हैं और उत्तर से खत्म होता है वो अध्ययन, ये शैली है। प्रश्न कैसे पैदा होते हैं, प्रश्न किसको कहा जाता है? अपनी चतुराई झाड़ने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं है आगमों में। प्रश्न पूछना एक बहुत गहरे विनय का प्रतीक है। गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी दादा चार ज्ञान के धारक, वे स्वयं स्वयं के प्रश्नों का समाधान श्रुत ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो भी स्वाध्यायी को कितना विनीत होना चाहिए। स्वयं सक्षम है, स्वयं के पास उत्तर है, वो निकाल करके प्रकट कर सकता है। मैं आपको थोड़ी सी आगमों की पद्धति बतलाना चाहता हूं, प्रश्नोत्तर की पद्धति में आगम मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, आगम की पद्धति क्या होती है प्रश्नोत्तर की। पहला सूत्र है, पहला सूत्र तेणम कालेणम तेणम समयेणम चंपा नामम नयरी होत्था वन्न ओ पुण्य भद्दे ची ए वन्न ओ नान तेणम कालेणम तेणम समएनम अज्ज सुहम मे समोसरिये जाव जंबु समणस्स भगवो महावीरस्स अन्तेवासी अज्ज सुहम मे नामं थेरे जाति संपन्ने कुल संपन्ने रूव संपन्ने विनय संपन्ने नान संपन्ने दंसन संपन्ने। ये शब्द हैं, ये आगम का पहला सूत्र है। तेणम कालेणम उस समय, यानी कि वो समय कौन सा, जिस समय ये बात चल रही है, वो चौथे आर्य के समय की बात चल रही है। अब चौथा आरा तो इतना बड़ा है। तेणम समएणम, जिस समय श्रीमान जंबू स्वामी जी महाराज साहेब चंपा नगरी में थे और उस समय जब श्री
जम्बू स्वामी जी सुधर्मा स्वामी जी से प्रश्न पूछने के लिए तैयार हुए हैं उसका नाम है समय। काले चौथे आरे के समय में तेणम समएणम, उस समय जिस समय चंपा नामम नयरी होता, चंपा नाम की नगरी थी, वन्ना ओ उसका वर्णन, वो चंपा नगरी कैसी है उसका वर्णन हमको एक दूसरे आगम से उद्धृत करके यहां पर समझ लेना चाहिए कि वो चंपा नगरी कैसी थी। पुण्य भद्दे चे ये वन्ना ओ, उस नगरी में पूर्ण भद्र नाम का चैत्य था, वन्न ओ उसका वर्णन भी अमुक आगम में है, वहां से तुम उठा करके पढ़ करके समझ लो। तेणम कालेणम तेणम समयेणम अज्जसुहम में समोसरिये, समय कौन सा था उस काल यानी कि चौथे आर्य के लगभग अंतिम चरण में, उस समय जबकि चंपा नाम की नगरी में पूर्ण भद्र नाम के चैत्य में श्री आर्य सुधर्मा स्वामी जी आए। जाव जम्बू समणस भगवो, कब तक ये बात मानने की, कब तक ये बात को समझने का, शब्द का और कहीं उल्लेख है वहां से उठा करके यहां पर उसका अर्थ तुम समझो, कहां तक। जाव जम्बू समणस भगवो महावीरस अंतेवासी, जब तक पाठ समझने का, जबकि जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के शिष्य अंतेवासी हृदय में रहने वाले अज्ज सुहम में आर्य सुधर्मा स्वामी जी जो कि जाति संपन्न उत्तम जाति से उत्तम जाति में पैदा हुए थे, उत्तम कुल में पैदा हुए थे, बहुत सुंदर उनका रूप था, बहुत विनीत थे, विनयवान थे, विनय से संपन्न थे, ज्ञान से संपन्न थे, दर्शन से संपन्न थे, चारित्र से संपन्न थे। आगे इस तरीके से वर्णन करते 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 आता है वे पूर्णभद्र चैत्य में आए और वहां पर कैसे थे, उनका वर्णन कैसा था, सारे का सारा वर्णन कि ये कैसे मंतपहाणे विद्यापहाणे। आज की तारीख में यदि कोई साधु मंत्र प्रयोग करे ना तो अनाड़ी लोग कुछ भी समझ नहीं, बेसमझ लोग विरोध के लिए तैयार हैं। यहां पर क्या कहते हैं, विद्या संपन्ने मंत्र संपन्ने, वे गणधर कैसे थे, विद्याओं से संपन्न थे, मंत्रों से संपन्न थे। ऐसे लोगों की बेवकूफी से भरी हुई बातों के चक्कर में तुम लोग अपने दिल और दिमाग को खराब कभी भी मत करना। वे तो बेचारे अनजाने हैं और अपने अनजानपने में आप लोगों को अपना अज्ञान परोस रहे, अज्ञान, खुद तो मूर्ख हैं, अपनी मूर्खता परोस रहे तुमको और तुम ले रहे हो। खुद तो अनपढ़ है, अरे तुम पढ़ो तो सही, सुनो तो सही, सुनना तो है नहीं, कान में उंगलियां डाल लेनी है, नहीं, खुद तो वे गलत रास्ते पर हैं, दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये इसमें शब्द हैं मेरे में, आप लोगों को मैं कहूं कि इसमें तो क्या क्या अद्भुत है। मैं कुछ बोलता नहीं हूं क्योंकि उनके साथ में भिड़ने का कुछ मजा नहीं है,
भिड़ने का कुछ मजा नहीं है, उनको सद्बुद्धि दी ही नहीं जानी चाहिए, इसीलिए अपन चुप। हाँ हमें नहीं पता जी, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता जी, नहीं देने के, जानते नहीं हो कहानी। और आपको मैं, ए छोकरा श्रवण कहाँ गया? ऊपर ऊपर नंदी सुतला, मेरा ऊपर ही पड़ा नंदी सूत्र। नंदी सूत्र में वक्ता को कुछ सूचन दिए गए, कैसी परषदा को वह उपदेश दे। वहां कहानी है, कहानी के माध्यम से उन्होंने समझाया, बंदर को जो कि नीचे पेड़ के नीचे आया, किटकिटा रहा है, ठंडी के कारण कांप रहा है, सुगरी है, सुगरी उस बेचारी ने आवाज सुनी और उसको देखा, उसको दया आई और उसने कहा, देख तो सही मेरा घर, में कितना सुंदर अपना घर बनाती हूँ, चल चल तू ठंडी में ठिठुरता है, मैं तुझको बताती हूँ घर कैसे बनाना। बंदर घर उखाड़ फेंकता है, ऐसे तो श्रोता होते हैं तो उसके सामने उपदेश देने ही नहीं। वक्ता लोगों को, गीतार्थ वक्ता को किन लोगों के सामने व्याख्यान देना है, किस सभा में किस परषदा को व्याख्यान देना है, उसके लिए नियमावली है। आप देख सकते हैं, किसी से भी सुन सकते हैं। और ऐसे लोगों को तो परमात्मा के वचन के लिए अयोग्य पात्र ठहराया, कहना ही नहीं। वे विनय से खड़े होकर के पूछते हैं कि साहब सुना है कि परमात्मा महावीर स्वामी जी ने ज्ञाता धर्म कथा का तो उपदेश दिया है और उसके बाद में उपासक दशांग सूत्र का उपदेश दिया है। सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं हाँ हाँ दिया है, दिया है, आयुष्मान दिया है साहब। प्रश्न देखिए कितने अच्छे ढंग से पूछे जा रहे हैं साहब। उपासक दशांग सूत्र का विषय क्या है, ये प्रश्नोत्तर की शैली कहने जा रहा हूं साहेब। उसका विषय क्या है, सुधर्मा स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं। आयुष्मान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी ने 10 अध्ययन उपासक दशांग में कहे। साहब पहले अध्ययन में क्या है, देखिए किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। वो कहते हैं आनंद श्रावक का वर्णन है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, दसवें में। साहब मैं, परमात्मा ने आनंद श्रावक के विषय में क्या कहा, तो वो कितना अच्छे ढंग से उत्तर देते मेरे देवताओं। मैंने उनके श्रीमुख से जैसा सुना वैसा तू सुन, यानी कि मैं अपनी अकल, अपन तो किसी बात में जब तक नमक मिर्ची मसाला अपना अंदर के जितने झूठ प्रपंच जोड़ न दे तब तक हमारा उत्तर बात पूरी नहीं होती। वो क्या कह रहे हैं, ये शैली है। मेरी बात समझ तो रहे हो ना, हम तो हर तरीके का झूठ, हर तरीके का प्रपंच, दूसरी बार बोलने का मौका मिले ना मिले हर तरीके का झूठ बोल जाओ बड़े से बड़ा। क्या हमारी मनोवृत्तियां हैं, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में
कितनी गहरी जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा लेकर के यूं खड़े होते हैं, साहब ऐसा ऐसा सुना है, क्या यह सच है? सत्य क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। ये जैन परंपरा में प्रश्नोत्तर की शैली, तो प्रश्नोत्तर की शैली जैन परंपरा में थी, है और रहेगी, रहनी चाहिए। प्रश्न जिज्ञासा, उत्तर समाधान। तो आज प्रश्नोत्तरी का दिन, मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा और प्रश्न मेरे पास लिखे हुए आए हैं। मरीचि की माता का नाम क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि जहां पर मरीचि का चरित्र है वहां पर नाम नहीं लिखा। अतः हां इतना जानता हूं, चक्रवर्ती की हजारों हजारों रानियां होती हैं, उनमें से ही कोई माँ थी, ये बात मैं कह सकता हूं, मगर नाम मुझको नहीं मिला, मैंने नहीं पढ़ा। यदि आप लोग पढ़े तो भी मुझको बताएं। क्या प्रभुवीर की आत्मा नैसार के भव में तत्वों का भी चिंतन करती थी? वो यार वहां पर पड़ा हुआ है, हाँ बस हाँ देखिए, इसमें उन्होंने पूछा है नैसार के भव में, ये शब्द ध्यान रखिएगा, जिस किसी को भी जब कभी भी सवाल पूछना हो जितना लिखेंगे हम उतना ही उत्तर देंगे। भव पूरे जन्म से लेकर के मौत तक की स्थिति का नाम भव है। धर्म धुरंधर का अभी मानव भव है, कितने साल हो गए मानव भव में? धर्म धुरंधर को 69 साल हो गए, मेरा मानव भव चालू है। नैसार के भव में हां वह तत्व चिंतन करती थी, स्पष्ट रूप से मैंने सुनाया भी है और यहां पर फिर से सुनाता हूं। अथाभ्यस्यन सदा धर्मम सप्त तत्वानि चिंतयन। तो नैसार के भव में समकित प्राप्ति के बाद वो स्वाध्याय करता होगा, गुरुओं के पास में जाता होगा, गुरुओं के पास में बैठ करके पढ़ता होगा, याद करता होगा, जिन वाणी सुनता होगा, तत्व चर्चा सुनता होगा, फिर वह उसका चिंतन करता ही होगा। इसीलिए लिखा कि वह तत्व सप्त तत्वानि चिंतयन। तीसरा सवाल है, गुरुदेव क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में कुछ प्रकृतियों का क्षय और कुछ का उपशम होता है, तो जिन प्रकृतियों का क्षय होता है क्या वह हमेशा के लिए होता है या उनका पुनः उदय भी संभव है? अगर तीन का उपशम किया, चार का क्षय किया, वापिस उनका उदय हो सकता है, मगर अगर क्षायिक समकित पा लिया तो फिर उदय में नहीं आती, चार प्रकृतियां नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। सोचो, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, वे चार प्रकृतियां हैं। नैसार के भव में जिस समय समकित की प्राप्ति हुई उस समय की बात, ये क्षयोपशम समकित था त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में, कितना क्रोध करते हैं,
ये तो बंधन और उदय का क्रम चालू रहता है। यदि हम सतत जागृत हैं कि मुझको नहीं करना है, जन्मों जन्मों तक इन कषायों के बीजों को अपनी आत्मा में नहीं रहने देना है, निमित्त मिलेगा तो भी तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें याद रहेगा कि मालिक ने कहा है, अनंतानुबंधी कषाय करने वाले जीव की कभी भी सदगति नहीं होती है, यानी कि उस भव में वह सदगति का बंधन नहीं करेगा यदि उस समय आयुष्य कर्म बांधा तो। अतः बाद में, एक बार के बाद में भी बाद में होता है। फिर आगे, क्या यह सही है कि चक्रवर्ती का स्त्री रत्न नीमा नरक में ही जाता है? सुंदरी को भरत ने स्त्री रत्न बनाया था, अगर तो वह तो बाद में दीक्षित भी हुई थी। इसमें विरोधाभास सा झलकता है, कृपया समाधान करें। चक्रवर्ती के लिए नियम समझ करके चलो। चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद में रहते हुए मरता है तो निश्चित नरकों में जाता है, नरक में जाता है। संयम ले लेता है तो मुक्ति तक जा सकता है। चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद में रहता हुआ ही मरता है, उदाहरण 12 चक्रवर्ती हुए, इनमें से एक ब्रह्मदत्त नाम का चक्रवर्ती हुआ, चक्रवर्ती पदवी में मरा, नरक में गया। शुभम नाम का चक्रवर्ती हुआ, मरा, नरक में गया, दीक्षा नहीं ली थी। भरत ने दीक्षा भी नहीं ली, चक्रवर्ती था, स्नान के बाद सजने के लिए गया अपने शीश महल में, शीश महल में गया, अंगूठी गिरी, दीक्षा भी नहीं लिए, समझो अंगूठी गिर गई, देखा अंगूठी नहीं है। अंगूठी को क्या कहा जाता है? आभूषण। क्या कहा जाता है? आभूषण। उसने देखा ये शरीर का ये हिस्सा उंगली और ये उंगली अंगूठी पहनी हुई, बिना अंगूठी की इसकी अपेक्षा ये शोभा विहीन। अंगूठी के कारण से इसकी शोभा, धीरे धीरे चिंतन चला, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सोचिए, चिंतन का कितना गहरा परिणाम आता है। अंगूठी उतरी, अंगूठी क्या उतरी? अंगूठी के साथ में ही उस अंगूठी पर से मोह उतरा, उस अंगूठी पर से मोह क्या उतरा? शरीर के प्रति निर्मोही बन गया। क्या मेरी शोभा इससे, आभूषणों से? जो सज्जित करे उसका नाम आभूषण, जो सजाए जो मंडन करे उसका नाम आभूषण। सामान्यतया नियम कि चक्रवर्ती मर करके जावे नरक में, मगर संयम ना लेवे तो जावे। संयम लेगा तो उतनी ही बहादुरी से आंतरिक आत्मिक शत्रुओं से लड़ेगा जितना कि वो बाहरी शत्रुओं से चक्रवर्ती के पद को भोगता हुआ लड़ता था।
अतः जो संयम ले लेता है, जो संयम धर्म का पालन करता है, सही ढंग से कर्मों का क्षय करता है, वो व्यक्ति निश्चित नियम के अंतर्गत जावे ही जावे, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अतः यही नियम सुंदरी के लिए भी लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। अगला, क्या भक्तांबर में स्तुतिकार जब अटूट भक्ति में परमात्मा की स्तुति कर रहे होते हैं, उस समय उन्हें अपनी हीन शक्तियों का, अपनी शक्तिहीनता का एहसास भी साथ साथ रहता है या नहीं? कृपया समाधान करें। जब तक स्तुति प्रारंभ नहीं की तब तक तो रहता है, जब स्तुति प्रारंभ कर देता है ना, तब नहीं रहता है। अपन लोग भी देखें, यूं तो मैं भी कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता, अरे नहीं जी नहीं, आप ही कर दो ना समाधान, मैं नहीं जानता। परंतु जब करने बैठता है तो अपने आप फिर वो भूल जाता है कि मैंने कहा है कि मुझे नहीं आता, तब तो दे धड़ा धड़ एक बहता प्रवाह होता है। और याद रखिए, भावों का प्रवाह भक्ति है, भक्ति में भावों का प्रवाह चलता है या बिल्कुल रुक जाता है। कभी महसूस करोगे तुम, देखते देखते ही रह जाते हैं, उस समय बोल रहे थे बोल रुक जाते हैं। क्या ऐसा कभी महसूस नहीं किया? होता है। फिर यूं ही अपलक देखता रह जाता है, ध्यान ही नहीं कि मैं बोल रहा था, भावों का प्रवाह ही टूट जाता है। भक्ति एक आत्मा से निकले हुए शब्द हैं। हम वैसी भक्ति करते नहीं, अपनी जैसी भक्ति से हम उनकी भक्ति को कसना चाहते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, हमारा क्या स्तर यार, हम अभी कहां तक पहुंचे? तलहटी पर भी पांव नहीं और शिखर की बातें करने की आदत पुरानी। नहीं, ये तो शिखर को पाया जा सकता है चल करके ही, कल्पनाओं से शिखर को कभी भी नहीं पाया जा सकता। चलो तो सही भक्ति की राह पर, यूं ही गुरु भक्त कहला लेना, मैं कोई छोटा मोटा गुरु भक्त हूं, शत प्रतिशत, एक पैसा भी कम नहीं। कसौटी का पल बतलाता है कि कितने प्रतिशत। किसी के विषय में वक्तव्य देना झूठे या सच्चे आदमी की आदत बन जाती है। सावचेत, हमें ऐसी आदत से कभी भी कुछ भी बकवास नहीं करनी है। धन्य है भक्ति में न जाने किसका क्या होता है। देखो एक छोटा सा उदाहरण, रावण मंदोदरी
रावण को दिल दिमाग में भक्ति पैदा हुई तो दे धड़ाधड़ वीणा बजा रहा है, मंदोदरी वीणा नहीं है, वो नाच रही है। एक की भक्ति वाद्य के बहाने से प्रकट हुई, एक की भक्ति नाच गान से प्रकट हुई, और यूं दूर से देख रहा है धर्मेंद्र, वाह क्या जोड़ी है। वो भी डूब जाता है परमात्मा में। भक्ति के कई तरीके, वो तो भक्त ही जानता है कि कब किस तरीके में वो आ गया, वो खुद ही नहीं जानता, तो हम क्या उसके विषय में निर्णय ले सकते हैं। वो तो एक भाव दशा है मेरे देवताओं, और उस भाव दशा में एक लयबद्ध प्रवाह है, ऐसी होती है भक्ति। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब भक्ति होगी ना तब अपना ख्याल नहीं रहेगा, पहले और बाद में ख्याल आ सकता है, मगर उस समय तो नहीं, उस समय तो एक भाव है, बहता जाएगा आदमी, बहता जाएगा आदमी, बहता जाएगा आदमी। मैं आपको एक बात कहूं, नाचने का मजा देखना हो ना, कि नाचने में किस तरीके से आनंद से नाचा जाता है, किस तरीके से आनंद को लिया जाता है, तो हमारे सामने कई जन नाचते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं, और बैंड बाजे की धुन पर उसी समय पास में खड़ा चौथी पांचवीं क्लास का विद्यार्थी वो थिरकने लग जाता है। उसके नाच को देखो और उसके नाच को देखो, अंतर पता लग जाएगा कि नाच नाच में क्या फर्क है। वो तो बेचारा भूल जाता है। एक राजा था, संगीत सभा थी, संगीत सभा में श्रेष्ठतम संगीतकार आया, राजा ने कहा संगीत सुनाओ। सुनाऊं राजा साहब, सुनाऊं, परंतु शर्त इतनी, जो झूमे उसकी गर्दन उसी समय काट देने की, जो झूमे उसकी गर्दन उसी समय काट देने की। राजा ने स्वीकार किया, तुम गाओ तो सही, तुम्हारा गाना ही बड़ी चीज है। ठीक, उसने गाना चालू किया, बज रहे हैं बाजे, एक आदमी हाँ झूमने लगा, घूमने लगा, वाह वाह वाह। राजा का आदमी तुरंत गर्दन काटने के लिए उसके पास में पहुंचा, संगीतकार ने कहा कि जरा रुको काटने के पहले, रुको। राजा के कहने पर उस आदमी ने गर्दन नहीं काटी, रुक गया। संगीतकार ने पूछा, अरे यार तुझको जब पता था कि झूमना नहीं है और आदमी तलवार लेकर के पास में खड़ा है, काट देगा तो भी तुझको अपनी मौत से डर नहीं? उसने कहा, तुम इतना सुंदर गा रहे थे मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब झूमने लग गया। संगीतकार ने कहा, आप सब फेल, आपको गीत सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसी को सुनाऊंगा। हम क्या कह सकते हैं, समझे मेरी बात का मतलब? तुम तो यहां आते हो, महाराज जी 10 बज गए, तुम अभी तक बोलते जा रहे हो। सोचिए, सामने तलवार से काट दी जाएगी उसकी गर्दन उसी समय, और वो भूल गया उस बात को, क्या अपनी जिंदगी को भूल गया, मस्ती से झूमने लगा।
और संगीतकार ने कहा बस ये ही मेरे संगीत को सुनने का योग्य आदमी है। क्या पता कैसी भाव दशा में क्या हो जाए, भक्ति तो वैसी भाव दशा है मेरे देवताओं, भक्ति तो एक ऐसी दौड़ है भगवान के प्रति जिसमें आदमी कब धीमे पड़ गया, कब तेज भागा, कब रुक गया, कब क्या करने लग गया, बस एक समर्पण की भाव दशा है मेरे देवताओं। इसमें दिखावापन नहीं चलता है, बनावट नहीं चलती है, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलती है। मुझे तुम धोखा दे सकते हो, उसको कैसे तुम धोखा दोगे, और मुझे धोखा देना भी धर्म धुरंधर को धोखा देना नहीं है, अपने आप को धोखा देना है। मुझे तो क्या धोखा दे लोगे, मेरा तो क्या है, मैं तो चलो ठीक है सुन ही नहीं रहा हूं, ऐसे रह लूंगा, सुनूंगा सब कुछ, ऐसा दिखूंगा कि महाराज को तो नींद आ रही है। भाव भक्ति दिल से संबंध रखने वाला एक संबंध है, भगवान के प्रति दौड़ उसका नाम है भक्ति, और दौड़ में हर पल वैसा ही वेग नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो वो उस समय क्या है मैं नहीं जानता हूं। क्या यह सही है कि अच्छा आगे क्या भक्तामर में स्तुतिकार जब अटूट, ये भी हो गया, क्या यह सही है कि महावीर क्षेत्र निषद पर्वत से नीलवंत पर्वत के बीच अवस्थित है, इसलिए महावीर क्षेत्र के चार विभाग किए जाते हैं, पूर्व महाविदेह, पश्चिम महाविदेह, उत्तर कुरु और देव कुरु, क्या उपरोक्त कथन सही है? मुझको पढ़ना पड़ेगा, और वैसे मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि केवल जो विषय मैंने दो विषय दिए थे भक्तामर और श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के, उससे संबंधित यह सवाल न होने के कारण से मैं इसका उत्तर देना पसंद नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। प्रति वासुदेव को वासुदेव हरा देता है एवं तीन खंड का अधिपति बन जाता है, फिर भी प्रति वासुदेव अधिपति कैसे जबकि तीन खंड के अधिपति कैसे जबकि प्रति वासुदेव का वासुदेव को तो जीतना बाकी है ना। हाँ जी, जब तक वासुदेव पैदा नहीं हुआ और प्रति वासुदेव तीन खंड को जीत चुका तो तीन खंड का अधिपति प्रति वासुदेव कहलाए। वासुदेव के जन्म के बाद जब तक कि विद्याएं खुद ब खुद आकर के वासुदेव को आवरण यानी कि वासुदेव को पसंद नहीं कर पाती, वासुदेव को सिद्ध नहीं हो पाती, और याद रखिए सिद्धि के लिए उनको खुश करना जरूरी नहीं है, उनका आशीर्वाद पाना जरूरी है, खुद ब खुद आकर के कहते हैं जाओ हम तुम पर प्रसन्न हैं, हम तुमको सिद्ध हुए, तब जाकर के वासुदेव प्रति वासुदेव से लड़ता है और प्रति वासुदेव को उसी के चक्र से काट करके जिस समय प्रति वासुदेव मर जाता है उसी समय वासुदेव के ऊपर देवता लोग सुरपुष्प वृष्टि करते हैं और सभी को कहते हैं कि यह वासुदेव। तो जब तक वासुदेव मार नहीं देता तब तक के लिए तो तीन खंड का अधिपति कौन, प्रति वासुदेव ही। अगला सवाल, उपशम में तीन प्रकृतियों के उपशम से भी संकीर्त प्रकट हो सकता है तो बाकी के चार क्या उदय में ही होते हैं? जी नहीं, सातों के ही उपशम से या क्षय उपशम से या क्षय से संकीर्त प्रकट होता है यह नियम। सभी सवालों के जवाब पूरे हुए और अब अपना नाटक शूलपाणि यक्ष का नाटक
देखने का अवसर। तो अब अपन लोग वह विषय उस विषय की ओर बढ़ेंगे।